जिस इंसान से अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो इश्क नमाज से कहा मुझको या रब, जिस नमाज में सिर्फ तू मिले मुझे। अगर नमाज के वक़्त तवाफ़ काबा रुक सकता है तो तेरा कारोबार क्यों नहीं। फजर की दो सुन्नतें दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है उन सब से बेहतर है। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुम ऐसे कौन सी खता हुई है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। कल अगर फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रूस कहते हैं कल पढ़ेंगे नमाज कल, अगर आंख ना खोले तो क्या करोगे। ज़िंदगी जिन जख्मों से भरे पड़ी है इन जख्मों का इलाज सिर्फ़ सजदे में मौजूद है। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफ़े में दिया। अपने बेहतरीन वक़्त को नमाज के लिए वक़्फ़ कर लो, क्योंकि तुम्हारे सबसे काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। खुदा बोल चुका ज़िंदगी आजमाइश बन गई, दवाएँ कबूल नहीं होती। पूछा नमाज फजर पढ़ते हो, बोला आँख नहीं खुलती। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुम से ऐसी कौन सी खता हुई है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। नमाज को मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकत उसी में है। अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। बेशक नमाज ही साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। अपनी औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज सिखाओ, और जब वो 10 साल के हो जाए तो नमाज के लिए उन पर सख्ती करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। पानी और नमाज दोनों एक जैसे है, पानी मुहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मुहताज नहीं पढ़ने वालों की, दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स 2 टंडी नमाज फजर और असर पढ़ता है वो जन्नत में जाएगा। मुझे जन्नत से ज़्यादा नमाज अजीज़ है, क्योंकि जन्नत मेरी रज़ा है और नमाज में अल्लाह की रज़ा है। हज़रत अली जब कभी अजान सुनते तो कांपते लगते और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता। किसी ने बहुत पूछा तो बताया इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, न जाने मैं हक अदा कर पाऊँगा भी या नहीं। जिस इंसान से अल्लाह पाक नाराज़ हो जाए इससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। इबादत तंबिया से मशरूत नहीं, नियतों की पाबंद होती है। नियतों में खोट हो तो बरसों की इबादत भी बेकार जाती है। नमाज मोहब्बत समझ के अदा करोगे तो वो तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद ही खड़ा कर देगा। नमाज फजर रहमत बरकत चेहरे का नूर, बेशक नमाज नींद से बेहतर है। तो आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमसे ज़्यादा कोई गुनहगार नहीं, बेशक अल्लाह से ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं। नमाज वो वाहिद हुक्म है जैसे अल्लाह ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफ़े में दिया।